अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा, एक वीडियो किसी लड़के ने मुझे भेजी है तो मैंने कहा मैं देखूं। तो वीडियो जब मैं देख रहा था तो इस डॉक्टर की एक बात तो मुझे सही लगी है, पर एक बात से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, अब एग्री किससे करता हूँ और एग्री नहीं किससे नहीं करता। अब यहाँ पर ये डॉक्टर बोल रहा है कि वेरिकोसील का सर्जरी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप वीडियो देखोगे, इस डॉक्टर की पहले बातें सुनो, फिर मैं जो है आपको बताता हूँ। कि कहीं पे भी टेस्टिकुलर पेन का मेंशन नहीं है, इसका ये मतलब है कि अगर आपको टेस्टिस में पेन हो और आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसमें वेरिकोसील आता है तो आपको उस वेरिकोसील की सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्टिकुलर पेन ज़रूरी नहीं है कि उस वेरिकोसील से ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर बात बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है कि अगर आपको वेरिकोसील और आपको पेन है तो इसके लिए आप सर्जरी मत करवाओ। ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि उन्हें सिर्फ पेन होता है और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वेरिकोसील आता है तो डायरेक्ट जाके सर्जरी करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन है। और ये डॉक्टर ने बात बिल्कुल सही कही है। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील होता है तो सीमन टेस्ट ज़रूर कराइए, और अगर सीमन टेस्ट भी एबनॉर्मल है तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर थोड़ा सा लाइन से उतर गया है। अब लाइन से उतरने का मतलब क्या है कि इन्होंने बोला है कि आप सेमन टेस्ट करवाओ, अगर वो सही नहीं आता तो आप सर्जरी करवाओ। सेमन टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्पर्म एबनॉर्मल है तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल जो मैंने बताया वो फॉलो करो। विद इन 1 to 1.5 मंथ्स, ठीक है, 45 डेज के अंदर अंदर आपका स्पर्म जो है बिल्कुल 100% सही हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इनकी बात को गलत कहूँगा। ठीक है, तो स्पर्म नेचुरल तरीके से भी क्योर हो सकता है, आप सर्जरी का क्यों एडवाइस करते हैं लोगों को? काफ़ी डॉक्टरों ने ऐसे भी आपको बोला होगा कि हम दवाइयों से ठीक कर देंगे, लेकिन वेरिकोसील की ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि वेरिकोसील एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जिसमें वेन्स डिफेक्टिव हैं, तो कोई भी दवाई से उस वेन को ठीक नहीं करा जा सकता। तो अगर कोई बोल रहा है कि आपको दवाइयों से वेरिकोसील ट्रीट कर लेंगे, वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इस डॉक्टर साहब की बात को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बात की है। ये बात बिल्कुल सही की है और 100% सही की है कि मेडिसिन से वेरिकोसील को क्योर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेडिसिन ले लो और वेरिकोसील 1 मंथ में क्योर कर लो, हफ्ते में क्योर कर लो, लोग पागल हो जाते हैं। पागलों की तरह जिस तरह सेल लगती है ना, लोग भागे चले जाते हैं, वैसे ही ये हिसाब होता है कि मेडिसिन के कहते हैं तो बस लो जी मेडिसिन लो, 10,000 की लो, 15,000 की लो, तो पैसे देने में लोगों को मज़ा आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इस डॉक्टर को तो उन्होंने PhD की हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, पर मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने जब ये बात कर दी है कि मेडिसिन से वेरिकोसील को क्योर नहीं किया जा सकता, मैंने एक और वीडियो भी दी थी जिस डॉक्टर का 95 ईयर एक्सपीरियंस था और वो ये बोल रहा था कि मेडिसिन से वेरिकोसील को क्योर नहीं किया जा सकता, आज तक वेरिकोसील के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी। तो पता नहीं लोग, यार मुझे समझ नहीं आती कि क्यों पैसे ज़ाया करने। ठीक है, करो यार, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आगे आप अमल करते हो नहीं करते वो आपका अपना काम है। तो ये डॉक्टर ने बात बिल्कुल सही कही है। वेरिकोसील का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। नहीं भाई नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ पे आप फिर से गलत हो गए कि वेरिकोसील का एक ही ट्रीटमेंट है वो सर्जरी। तो ये आपने बिल्कुल गलत कहा है, वेरिकोसील का नेचुरल ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता और सर्जरी में रिस्क होता है। तो आप कम से कम ये बात मत करते। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि वेरिकोसील को क्योर किया जा सकता है, पर मैंने नेचुरल तरीके से वेरिकोसील को क्योर किया है, बाकी लोग भी क्योर हुए हैं, तो वेरिकोसील नेचुरली क्योर हो सकती है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन टू क्योर वेरिकोसील, ओनली नेचुरल ट्रीटमेंट इज़ एन ऑप्शन टू क्योर वेरिकोसील विदाउट एनी रिस्क। उसके अलावा अगर आपको वेरिकोसील होए और आपको आगे की चिंता होए, अगर आपको फ्यूचर की चिंता होए कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप रेगुलरली सीमन टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं कि सीमन में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है कि नहीं। अगर सीमन टेस्ट नॉर्मल रहता है, चाहे वेरिकोसील हो भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको बच्चा करने में प्रॉब्लम होगी, ना आगे किसी और चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ वेरिकोसील अल्ट्रासाउंड में मिले तो उसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि इन डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सीमन टेस्ट करवाते हो, अगर आप सीमन आपका जो है नॉर्मल आ रहा है, स्पर्म जो है आपका एबनॉर्मल आ रहा है, तो फिर जो है आपको सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, तो सीमन जो है अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो विद इन 1 मंथ्स टू 45 डेज में आपका स्पर्म 100% सही हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर की बातें आपने सुनी, ठीक है, मुझे इनकी बातें अच्छी लगी हैं और मुझे इनकी बातें सुन के अच्छा लगा है, क्योंकि इन्होंने मतलब सिर्फ सर्जरी के ऊपर जो है फोकस नहीं किया। ठीक है, इन्होंने ये बात ज़रूर की है कि मेडिसिन
इसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो वेरिकोसील को क्योर करे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये मेडिसिन ले लो, इतने की मेडिसिन है, इतने टाइम में आपकी वेरिकोसील क्योर हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने वो मेडिसिन कभी भी परचेज़ नहीं करनी, पैसा अपना नहीं ज़ाया करना। और बाकी जो है बस ये इन्फॉर्मेशन थी यार, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने कहा वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस टाइप की वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।